हाय गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। बिटकॉइन वर्सेस पाई नेटवर्क के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क किस तरीके से बिटकॉइन से एक बेहतर क्रिप्टो करेंसी बन सकती है, और KYC को लेके अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट को लेके क्या चल रहा है, माइग्रेशंस के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है, लॉकअप्स के बारे में आप सभी को पता चलेगा, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर कौन सी कंट्रीज के अंदर, कौन सी लोकेशंस के अंदर आपको पाई नेटवर्क के मीटिंग्स देखने को मिलेगी और बार्टर सिस्टम देखने को मिलेगा, और बाइंग एंड सेलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स आ चुके हैं, और उसके साथ कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे, और कुछ चीज़ें एक्साइटिंग है जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट इज़ योर पाई नेटवर्क मैनेज स्टेटस। अभी पाई नेटवर्क का जो मैनेज स्टेटस है वो आप किस बेसिकली लेवल पे हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट है नो KYC स्लॉट, अभी आपको KYC स्लॉट नहीं मिला है। दूसरा है वेट फॉर KYC रिजल्ट, KYC का आपका कंप्लीट हो चुका है बट आप रिजल्ट्स का वेट करो। टेंटेटिव अप्रूवल, और इस चीज़ को लेके पाइको टीम एक्टिव हो चुका है, और फेस वाला जो है जिसमें फेस आपका डिटेक्ट करता है वो ऑप्शन और एनहेंस हो चुका है, ठीक है। तो टेंटेटिव KYC भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये फुल KYC नहीं है, बट ये फुल KYC के बहुत आप नियर पहुंच जाते हो। KYC पास, जिसकी 100% पास हो चुकी है, वेटिंग फॉर माइग्रेशन, और आखिरी पॉइंट है माइग्रेशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपकी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और उसके साथ मैं आपको सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा जो भी आपका होने वाला है। अगर आपकी KYC स्लॉट नहीं मिला तो सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, या बाकी चीज़ें अगर कंप्लीट है तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे चाइना का एक लोकेशन के हिसाब से फुटेज शेयर किया जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से कहाँ पर पाई नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे पाई नेटवर्क के हमें शॉप्स वगैरह, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती है। उसके साथ चाइना में देखने को मिलती है, थाईलैंड में, सिंगापुर में, जो भी अलग अलग लोकेशंस हैं, क्योंकि पाई जो कॉइन है अभी के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से फैल चुका है, और डेली बेसिस पे इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती हमें देखने को मिलती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, सबसे जो मेजर रीज़न है वो प्रमोशंस हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो हमें डेली बेसिस पे बहुत ही क्रेजी लेवल पे देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेशंस को लेके, अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है, वॉलेट किस हिसाब से मतलब अभी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक टेबल वगैरह शेयर करी है, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख पाओगे, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल की हम बात करें जो एवरेज ऑफ माइग्रेशन है वो 400 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। लिखा गया है करंट पाई माइग्रेशन स्टेटस, द एवरेज माइग्रेशन अमाउंट पर वॉलेट हैज़ डिक्रीज टू लेस देन 400 पाई इंक्लूडिंग लॉकअप अमाउंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माइग्रेशन है, जो एवरेज की हम बात करें, वो डिक्रीज़ होकर 400 के आसपास हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और ये बेसिकली आपको जो लॉकअप है हेल्प करता है एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को एक तरीके से माइन करने के लिए। जितना आपने माइन कर रखा है उसमें से एक अमाउंट ऑफ पाई कॉइन आप एक ड्यूरेशन के लिए लॉक करते हो, उस हिसाब से आपको परसेंटेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 200% तक आपका हाईएस्ट है जो आपके पाई कॉइन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप एक साल के लिए करते हो, दो साल के लिए करते हो, तीन साल के लिए करते हो, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नॉर्मल आप माइनिंग करते रहो, अगर आप लॉकअप भी कर लेते हो तो आपका बैकअप भी रेडी हो जाएगा। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो, जैसे ही आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, सेम तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना की तरफ से आ चुका है, और यहाँ पे पाई नेटवर्क का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसका ऑफिशियल यहाँ पे बता दिया गया है, और भी डिफरेंट लोकेशंस के अंदर होने वाले हैं, उसका भी आपको टाइम पता लग जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज योर फर्स्ट क्रिप्टो यू एवर बॉट, तो कौन सी क्रिप्टो आपने सबसे पहले बाय करी थी वो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, कि जिसने पहली क्रिप्टो बाय करी थी, या जब से पहली फ्री में माइन की जाने वाली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो आपके लिए कौन सी थी, पाई नेटवर्क थी या उसके पहले तो कोई थी नहीं, उसके बाद कौन सी है जिसको आप बेस्ट समझते हो, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अब हम KYC के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक्यूरेसी परसेंटेज की हम बात करें तो 99% के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल वैलिडेशन जो थे 76 के आसपास था, जिसमें से 26 के आसपास सक्सेसफुली मतलब वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। पेंडिंग की हम बात करें तो 28 के आसपास हमें यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल जाता है। उसके साथ
अभी मैं आपको इंटरनेशनल कुछ चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से लोग प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, जो कि मोस्टली लोगों को पता भी है, बट अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। एक तो स्कैम्स भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जो आप सभी को पता है। तो जब भी आप पाई नेटवर्क को सर्च करते हो गूगल पे, तो आप ये चेक कर लो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। mindpy.com करके पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी तरीके से पाई नेटवर्क की फेक एप्लीकेशंस भी आ चुकी है। आपको पहले ये लिस्ट बना लो अपने पास कि कौन सी रियल एप्लीकेशन है, क्या इंडिकेशन है। जैसे कि एप्लीकेशंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके डाउनलोडर्स होते हैं, कितने डाउनलोडर्स हैं। और वेबसाइट के अंदर क्या होता है, आपको ये चेक करना पड़ता है, वहाँ पर डाउनलोडर्स वगैरह शो नहीं करते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल URL कौन सा है। mindpy.com करके पाई नेटवर्क का रियल URL, अगर उसका डिफरेंट आपको कुछ देखने को मिलता है तो आप समझ जाना वो रियल नहीं है, फेक है, वो स्कैमर्स का है। अब हम देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे बार्टर सिस्टम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें हमें नेसेसरी आइटम्स से लेके एक्सपेंसिव आइटम्स की बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिलती है। और हर एक मीटिंग कॉन्फ्रेंसिस के अंदर पाई नेटवर्क का जो GCV वैल्यूएशन है उस चीज़ को भी सपोर्ट किया जाता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ चुका है चाइना की तरफ से, और चाइना के होम टाउन के अंदर यहाँ पे लिखा गया चैन डायो, ठीक है, जो कि पाई नेटवर्क के को फाउंडर हैं। ठीक है, फुटेज के अंदर आप देख पाओ किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो भी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जैसे कि कोरिया के अंदर हमें देखने को मिला, वहाँ पर लेक्चर के थ्रू Web3 के रिगार्डिंग या अदर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो क्रिप्टो से रिलेटेड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। और अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी भी क्रिप्टो से बहुत अच्छा खासा ईजिली पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ है, जैसे नाइजीरिया की कुछ फुटेज है, जो बाइनेंस जिस भी तरीके से पाई नेटवर्क के प्रमोशंस कर सकते हैं, जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, उस तरीके से हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है। और जो मैं चीज़ें आप सभी को बोल रहा हूँ उसकी फुटेज भी आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और फुटेज है, ठीक है, वियतनाम वगैरह की हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें पाई नेटवर्क के ऑफिशियल मर्चेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पाई नेटवर्क के हमें लोगो देखने को मिलते हैं, उसके साथ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग भी देखने को मिल जाती है। कहीं पर एक पाई का वैल्यूएशन हमें $1 भी देखने को मिलता है, कहीं पर एक पाई का वैल्यूएशन हमें $30 $90 भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के अंदर ये बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बार्टर सिस्टम हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल पाई नेटवर्क का अभी कोई रियल वैल्यूएशन हमें देखने को नहीं मिला है। और पाई नेटवर्क की अभी ऑफिशियल कहीं पर भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं है, तो आप ट्रेडिंग कोई भी मत करना। ठीक है, अगर आप करते हो तो ये इलीगल में काउंट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी प्रोडक्ट को बुक कर लो, कम पाई वाले को, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ यहाँ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या सर्विसेज होती है, या और ज़्यादा कुछ करना है तो आप बार्टर सिस्टम वगैरह जो चीज़ चल रही है उसको एंजॉय कर सकते हो। बट अपने पाई कॉइंस को जितना हो सके उतना बचा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि हर महीने जो माइनिंग रेट है वो किस तरीके से कम होता जा रहा है। और अगर कोई चीज़ लिमिटेड कर रही है, मतलब पाई नेटवर्क लिमिटेड कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको समझने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और फुटेज वगैरह भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे और भी जो फायरसाइड है, उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे कि थाईलैंड वगैरह के अंदर या थाई अलग अलग लोकेशंस के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमें जो भी पाई नेटवर्क की शॉप्स ओपन होते हुए देखने को मिलती है, वहाँ के जो भी ऑनर्स हैं वो फोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। और फायरसाइड फोरम के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को प्रमोट करने का मौका मिलता है। मतलब प्रमोट करने का मतलब कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन मार्केट में लानी है पाई नेटवर्क के थ्रू, तो आप उस एप्लीकेशन का आइडिया शेयर कर सकते हो, और जितने लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं, पाइनियर्स लाइक करते हैं, जितनी हाई वोटिंग होती है उस हिसाब से जो डेवलपर्स होते हैं वो उस वाले एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, फिर वो एप्लीकेशन मार्केट के अंदर ऑन द फ्लोर आती है। उसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप अपना फीडबैक वगैरह शेयर करते हो और उस चीज़ को बेसिकली चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के अंदर चल रही है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि किस तरीके से जो बिटकॉइन है उससे पावरफुल अभी के टाइम में हो सकता है पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट चीज़ है पाई नेटवर्क इज़ फ्री टू माइन। पाई नेटवर्क आप सभी को पता है फ्री है माइन करने के लिए, बिटकॉइन इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू माइन। बिटकॉइन बहुत एक्सपेंसिव था अपने टाइम में माइन करने के लिए, क्योंकि 2008-09 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और उस टाइम पे कोई स्कोप नहीं था कि इसके अंदर फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। अभी क्या है कि आपके पास आउटपुट है, रिजल्ट्स है, तो आपको पता है कि अभी के टाइम में चीज़ें क्या सक्सेसफुल हो सकती है। जब कोई विज़न नहीं होता उस टाइम पे कोई चीज़ की जाती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जो कि बिटकॉइन के केस में था, और उस टाइम पे पैसा भी बहुत लग रहा था। और यहाँ पे लिखा गया सेकंड पॉइंट के अंदर, यू डोंट नीड एनी स्किल्स टू माइन पाई कॉइंस, और आपके पास कोई एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल नहीं होनी चाहिए जिससे के लिए आपको पाई को माइन करना पड़े, बट
बिटकॉइन के केस में क्या है, यू नीड वेरी हार्ड स्किल टू माइन बिटकॉइंस। बिटकॉइन माइन करने के लिए आपके पास अच्छी खासी तगड़ी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉट्स को सेटअप करना पड़ता है, इंटरनल सेटिंग्स को कंप्लीट करना पड़ता है, और बहुत से टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को माइन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप सिंपल मतलब बिटकॉइन को माइन करना चाहते हो, आप माइन कर लो जिस तरीके से पाई को करते हो, बट टाइम टाइम आपको पता है कि चीज़ें एनहेंस होती रहती है, सिंपल होती रहती है। क्योंकि पहले क्या था, क्रिप्टो बहुत टफ हुआ करती थी क्योंकि लोगों को समझ में भी नहीं आती थी, बट अभी क्या है कि क्रिप्टो को इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि नॉर्मल जो पर्सन है वो भी इजीली इंटरेक्ट कर पाए, वो इजीली समझ पाए। इट्स अ स्मॉल चांस टू गेट स्कैम्ड ऑन पाई। पाई नेटवर्क के अंदर क्या है कि एक स्मॉल मतलब चांसेस हैं, यहाँ पे आपको चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं स्कैम होने के, ठीक है। बट आपको कुछ चीज़ों का पहले अवेयरेंस होना चाहिए, कौन स्कैमर्स हैं, ठीक है। किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए रियल वेबसाइट, रियल एप्लीकेशंस कौन है, सी है। बिटकॉइन के बारे में बताया जा रहा है, दिस मैनी स्कैमर्स एंड रिस्क ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन को लेके बहुत सारे रिस्क होते हैं। पहली बात तो ये, एक तो बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, सबसे हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जो मेजरली क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट वॉल्यूम है यही संभालती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्कैमर्स हैं, जो आपको बोलते हैं कि बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है हमें पता है कितना बढ़ेगा, हमें पता है कितना डिक्रीज होगा, और हम आपका पैसा ऐसी क्रिप्टोज में लगा के देंगे जिससे कि हम आपको अच्छा आउटपुट देने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पैसा दे देते हैं और उनको आउटपुट वहाँ से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो स्कैमर्स होते हैं, वो आपका पैसा लिया फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। फर्स्ट क्या है, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप बिटकॉइन से भी लॉसेज नहीं खाओगे, और बिटकॉइन अभी के टाइम में बहुत पॉपुलर हो चुका है क्योंकि इसका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन को अभी के टाइम में बाय करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, जो कि आप डेली बेसिस पे देख ही पा रहे हो। उतने में आप एक बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी को बाय कर लोगे जितने में आप एक बिटकॉइन को बाय करना चाहते हो, ठीक है। और बिटकॉइन हर कोई बाय भी नहीं करता अभी के टाइम में, जो बिलियनर मिलियनर पर्सन है वही मोस्टली लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, वो इससे पहले बाय नहीं किया था, अब वो बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि उनको बताया कि फाइनेंस कैटेगरी के अंदर शेयर मार्केट के बाद, स्टॉक्स वगैरह के बाद, अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें, जितना पूरा शेयर मार्केट का महीने का वॉल्यूम होता है उससे कहीं ज़्यादा एक दिन का हमें क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। तो आप यहीं पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, और वो जो चीज़ें होती हैं स्टॉक्स वगैरह की वो सेंट्रलाइज होती हैं, बट ये जो चीज़ें होती है डिसेंट्रलाइज होती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और पाई नेटवर्क बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहा है, जिसके अंदर NFT, मेटावर्स, Web 3.0, ठीक है, गेमिंग, DAO, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं जो आने वाले समय के अंदर बहुत तेज़ी से पंप करने वाली है। अगर ये सारी चीज़ें पाई नेटवर्क जो क्रिएट कर रहा है सक्सेसफुली पंप होती है, सक्सेसफुली इंक्रीज होती हैं, तो पाई नेटवर्क के अंदर आपको बहुत पोटेंशियल देखने को मिलेगा हर एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और स्पेशली बात की जाए प्राइस के रिलेटेड तो आपको देखने को मिलने ही वाला है। और यहाँ पे प्राइसिंग की भी हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2009 से 2024 के अंदर 15 ईयर्स के अंदर 74,000 US डॉलर के आसपास बिटकॉइन का ऑल टाइम प्राइस हाई गया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस साल चांसेस लग रहे हैं कि 1,00,000 US डॉलर तक ये चले जाए, ठीक है, ये चांसेस लग रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। और 2019 के आसपास मतलब कि हमें पाई नेटवर्क देखने को मिला था जो मार्केट के अंदर आया था, और यहाँ पे बात की जा रही है जो कि $300 के आसपास है, तो ये इजीली हिट हो सकता है अगर इसके प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी कॉइन आया तो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको इतना वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, ऐसा एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो होना मोटा मोटी क्या है, मार्केट के अंदर क्रिप्टो लॉन्च हो चुका है, पाई की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और सबकी बेसिकली माइनिंग रुक चुकी है, लिमिटेड कॉइन्स अब हैं। अब वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, अच्छी चीज़ें का मतलब ये है जो प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं मार्केट के अंदर डिलीवर कर रहा है। अब जो नॉर्मल ऑडियंस है जिसे पता नहीं था पाई के बारे में, जिसे पता भी था बट उसने ज्वाइन नहीं कर रखा था, उसको लग रहा है कि यार अब जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ उसमें ना बाकी क्रिप्टो करेंसी से पाई नेटवर्क हमें बेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी की बात करें या ओवरऑल हम बात करें तो हमें यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो लोग बाकियों को छोड़ के इसको बाय करना स्टार्ट करेंगे, बट उस टाइम पे एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन होगा, ठीक है। उस स्पेसिफिक वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ों को बाय करना पड़ेगा, और जिस स्पीड से ये ग्रो करेगा पाई नेटवर्क अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, उस हिसाब से एक्स्ट्रा लोग उसको बाय करना कोशिश करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरीके से बिटकॉइन के केस में हुआ था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होने वाला, उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बेसिकली यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइज एक लाइक कर देना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।